Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you to the online lecture series of digital image processing. Today is our 14th lecture, and in today's class we will going to discuss about the frequency domain analysis of the images. And in today's lecture we will going to cover the ideal low pass filter as well as the Gaussian filter and the Gaussian filter along with the Butterworth low pass filter. So let's get started with it. ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हमारे पास एज डिटेक्शन का एक फिल्टर था जिसमें हमारे पास दो स्पाइक्स आ रहे हैं, दो पीक्स आ रहे हैं, एक लेफ्ट साइड पे पीक आ रही है और एक राइट साइड के ऊपर आपके पास पीक आ रही है। मोर ओवर बिकॉज ऑफ दिस पीक, ये इसको हम व्हाइट से डोनेट कर रहे थे और जो आपकी नेगेटिव साइड पे पीक आ रही थी उसको हम ब्लैक से डोनेट कर रहे थे। राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस द आइडियल लो पास फिल्टर। हमें पता है कि हमारे पास आइडियल लो पास फिल्टर रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज एक आइडियल लो पास फिल्टर अगर आप इम्प्लीमेंट भी कर रहे हो तो आपकी मेमोरी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा लेता है, बिकॉज इसका मतलब है कि आपके पास जो फिल्टर है इसका रिस्पॉन्स यहाँ पे ऑलमोस्ट जीरो की तरफ जा रहा है। दैट मीन्स देर विल ऑलवेज बी सम रिंगिंग इफेक्ट, ये हमारे पास हमेशा रहता है। लेकिन आइडियल लो पास फिल्टर के केस में आपका रिंगिंग इफेक्ट बहुत माइनर हो रहा होता है और इसका रिस्पांस कुछ इस तरह का बन रहा होता है। सिंस वी डू नॉट रिप्रेजेंट दिस ऑन द स्क्रीन बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द बैंडविड्थ, सो इसकी वजह से इस तरह के फिल्टर आपके पास मेमोरी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा लेते हैं। सो लेफ्ट साइड पर अगर आप देखें स्लाइड के अंदर तो आपको जो फिगर नजर आ रही है ये एक लो पास फिल्टर का फ्रीक्वेंसी डोमेन रिस्पांस है। हाउ दिस इज डन, हाउ दिस इज लो पास, लेट्स सी दिस। लो पास का मतलब है कि ये सारा का सारा बॉटम एरिया, हमें पता है ये जो सेंटर है सेंटर पोर्शन, दिस इज द डीसी कंपोनेंट ऑफ इट और जो सेंटर पोर्शन है ये डीसी है, और जो सेंटर से जितना आप दूर जाते रहें तो आपके पास हायर फ्रीक्वेंसी, और डीसी के अराउंड ये जो आपको सर्कुलर पाथ नजर आ रहा है ये बेसिकली इसका लो पास रीजन है। सो जब हम इसके ऊपर एक लो पास फिल्टर का एनालिसिस अप्लाई करते हैं तो हमारे पास सिर्फ हम क्या कर रहे हैं कि इसका वाइट, ये जो अगर आप इसका एस सी फिल्टर का ये आपको टॉप व्यू नजर आ रहा है, वाइट का मतलब है कि इसका पीक रीजन है और ब्लैक इसका बिल्कुल जो है बॉटम यानी जीरो का रीजन है। सो पीक आपके पास वाइट एरिया सिर्फ इसके सेंटर में लाया कर है, इसका मतलब है कि हम इसका लोअर लो जो सारी फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेंट उन सारे फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेंट्स को पास करवा रहे हैं और जो इस लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स है अवे कंपोनेंट्स हैं इन सारे कंपोनेंट्स को हम जीरो के इक्वल ट्रीट कर रहे हैं। मोर ओवर ये जो आपको राइट सी पार्ट इसका नजर आ रहा है दिस इज बेसिकली द रिस्पांस ऑफ दिस फिल्टर क्रॉस सेक्शन, ये आपको इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन रिस्पांस दिखाया गया है। वेयर एज ये जो डी नॉट है ये रिप्रेजेंट करता है इसका कट ऑफ पॉइंट जहां से आगे आपके फ्रीक्वेंसी जीरो हो जाती है, और जिससे अगला नेक्स्ट पार्ट है दिस रिप्रेजेंट द एंटायर रिस्पांस ऑफ अ फिल्टर टू इट। सो आपको एक लो पास फिल्टर पूरे इमेज के अंदर सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को पास करने देता है और हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को सप्रेस कर देता है। इसको हम आइडियल लो पास फिल्टर क्यों कहते हैं, बिकॉज इसका कट ऑफ पॉइंट एक बहुत स्ट्रिंजेंट किस्म के पॉइंट के ऊपर यानी एक बड़े सख्त लेवल के ऊपर हमने इसका कट ऑफ पॉइंट दिया है। इस कट ऑफ पॉइंट से अगर आगे या पीछे की आप वैल्यूज पे जाएं तो ये वाली वैल्यूज आपके पास जीरो रिस्पॉन्स देते हैं। अच्छा जी, ये जो आगे आपको ये आपको दो इमेजेस दिखाएंगे, ये जो पहला इमेज है
दिस इज वन ऑफ द रेफरेंस इमेजेस फॉर द इमेज प्रोसेसिंग प्रॉस्पेक्ट. इस इमेज के अंदर आपके पास छोटे सर्कल्स भी हैं, ये जो स्क्वायर है ये छोटे छोटे साइज के भी, बड़े भी हैं. उसके अलावा मोर ओवर इसके अंदर ग्रे स्केल की वैल्यूज भी आपके पास चेंज ओवर हो रही है. व्हाइट आपको रिप्रेजेंट करता है पीक डोमेन को, ब्लैक आपको जीरो को रिप्रेजेंट करता है, और इसके साथ साथ आपको कैरेक्टर का फॉन्ट भी डिफरेंट नजर आ रहा होता है, छोटा कैरेक्टर उसके बाद बड़ा कैरेक्टर. और फिर यहाँ पे इसमें तीन तरह की आपके पास नॉइजेस दी हैं. दिस इज अ सॉल्ट एंड पेपर नॉइज व्हिच इज डन इन दिस इमेज. और इस तरह की नॉइज जो है, यहाँ पे नॉइज का फैक्टर डिफरेंट है. सेकंड में आपके पास नॉइज का फैक्टर ज्यादा है, थर्ड में उससे ज्यादा है, और लास्ट में उससे ज्यादा है. और जो राइट साइड पे आपको एक इमेज दिखाया गया है, ये जो बी इमेज है ये इसका 4 ईयर स्पेक्ट्रम है, जिसके अंदर आपके पास इमेज का पैडेड कंपोनेंट भी शो किया गया है. और वो एक सर्कल, और जो इसके अंदर सर्कल आपके पास लाई कर रहे हैं, ये सर्कल बेसिकली इसकी पैडिंग कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहाँ पे आपके पास इमेज के अंदर हम पैडिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं. मोर ओवर ये सर्कल आपके पास एक लो पास फिल्टर को भी रिप्रेजेंट करते हैं. सो हमने इस इमेज के ऊपर तीन तरह के फिल्टर, ये चार फिल्टर्स अप्लाई किए. जो सबसे सेंटर कंपोनेंट है इस इमेज के अंदर, अगर आप ये वाला कंपोनेंट देखें, ये वाला कंपोनेंट एट m डिवाइडेड बाय 2 कॉमा n डिवाइडेड बाय 2, दिस इज बेसिकली योर डीसी कंपोनेंट टू इट. सो ये इसका सेंटर मोस्ट कंपोनेंट है. इससे अगला जो कंपोनेंट आ रहा है, ये जो अगला रिंग आ रहा है, यहाँ पे इस रिंग का साइज है 10. नेक्स्ट जो आपको रिंग नजर आ रहा है, दिस इज एट 30, एंड नेक्स्ट वी हैव अ रिंग साइज एट 60, और फिर इससे अगला आपके पास 160 के ऊपर रिंग साइज आ रहा होता है. सॉरी, दिस इज एट 465, आई एम नॉट रॉन्ग फॉर इट. राइट, सो इस इमेज के अंदर हमारे पास वी हैव गॉट 1, 2, 3, 4 एंड 4 एंड 5 सर्कल्स विच आर रिप्रेजेंटिंग द इमेज. और इसका हम अभी इफेक्ट देख लेते हैं कि इसका इफेक्ट हमारे पास क्या आता है. वी ऑलरेडी नो, अगर हम सिर्फ इसका डीसी कंपोनेंट को पास करें तो हमें सिर्फ इमेज में ब्राइट कंपोनेंट नजर आएगा, वाइट लाइट नजर आएगी, और उसके अलावा कोई और फैक्टर नजर नहीं आएगा अगर मैं सिंपल इसके सेंटर कंपोनेंट को पास करूं. अगर सेंटर कंपोनेंट के साथ कुछ और कंपोनेंट को पास करूं तो इसका मतलब है कि इमेज में ब्लरिंग हो जाएगी, बिकॉज अब आपका जो लो पास फिल्टर है वो बहुत ज्यादा टाइटली शेड्यूल्ड. और जैसे जैसे आप सेंटर से वे होते रहते हैं, आपके पास ब्लरिंग उतनी उतनी कम होती रहती है. सो लेट्स सी द इफेक्ट ऑफ दिस. सो ये जो पहला वाला इमेज आप देख रहे हैं, ये आपका ओरिजिनल इमेज था, और राइट साइड पे जो आपका इमेज है, इस ओरिजिनल इमेज के साथ ये इसका रिजल्टेंट इफेक्ट है. सो ये जो सबसे पहला इमेज आपके सामने राइट साइड पे नजर आ रहा है, दिस इज बेसिकली योर आइडियल लो पास फिल्टर्ड इमेज. यानी ये ऐसा इमेज था जिसको हमने एक टेंथ की डोमेन के बाद से परफेक्टली कट ऑफ लगा लिया. सेकेंड, ये वाला इमेज जो था, जो आपको नजर आ रहा, जिसमें ब्लरीनेस इस इमेज के मुकाबले में कम है, जिस इस इमेज का हमारा जो कट ऑफ पॉइंट था वो हमारे पास एट रेडियस 30 के ऊपर था, एंड दिस इज एट 60. ये वाला जो है इसमें 60 की रेडियस पे है, एंड देन दिस इज एट 160. एंड लास्टली जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज एट 462. सो अगर आप इस इमेज का रिस्पॉन्स देखें तो इससे पहले वाले इमेज के अंदर आपके पास कॉम्पोनेंट कोई भी विजिबल नहीं है, बिकॉज इस इमेज में सिर्फ इमेज की लाइटिंग कंडीशन अपियर हो रही है और बाकी चीजें सप्रेस हो रही है, और हमें इससे कोई और इन्फॉर्मेशन नजर नहीं आ रही. सेकेंड, हमने अप्लाई लो पास फिल्टर ही किया है, लेकिन जस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी चेंज की. हमने बेसिकली मैडम, हमने इसमें एक लो पास फिल्टर ही अप्लाई किया, बट दिस इज आइडियल लो पास फिल्टर. और ये जो लो पास फिल्टर है ना, ये मैं आपको पहले वाली स्लाइड दिखाता हूँ. ये
देखें ये वाला जो लो पास फिल्टर हम जो सबसे पहले अप्लाई कर रहे हैं ना, अगर आप इस सर्कल को देखें तो ये जो सबसे छोटा वाला सर्कल है ना, बेसिकली हम ये अप्लाई कर रहे हैं जहाँ पे डीसी कंपोनेंट है और कुछ थोड़ा सा इमेज है जो हम इसमें ला रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, इससे जो अगला आपके पास कंपोनेंट है ये, इससे आप जैसे जैसे सर्कल से अवे हो रहे हैं तो उसका मतलब है आप लो पास यहाँ पे बिल्कुल सख्त किस्म का आपने लो पास अप्लाई किया, यानी बहुत ही करीब करीब की फ्रीक्वेंसी अप्लाई की है। दैट मीन्स कि आप अगर आप इसे फ्रीक्वेंसी डोमेन या जनरल लैंग्वेज की जबान में देखें तो आपकी वैल्यू 3 हर्ट्ज से जैसे अवे है ना, तो बाकी इमेज की वैल्यू खत्म होगी। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। इससे अगली जो सर्कल है वो आपको अराउंड 10 हर्ट्ज की वैल्यू दे रही है। सो 10 हर्ट्ज से बिलो की सारी वैल्यू पास हो रही है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो जैसे जैसे आप इस सर्कल के सेंटर से अवे होते रहते हैं, आप उतनी उतनी फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेंट को पास करने के लिए अलाउ कर देते हैं। आई होप दैट दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। Alright. अच्छा जी, so we were looking at this image. इस ये जो पहला इमेज है, अगर आप इसको देखें ना, तो इस इमेज के अंदर आप को कोई और इंफॉर्मेशन नजर नहीं आ रही, बिकॉज दिस इज एट अ वेरी स्ट्रिक्ट लो पास कॉम्पोनेंट। सो इसका मतलब हुआ कि हम इमेजेस को कभी भी बड़े सख्त पॉइंट से नहीं गुजारना चाहिए, अनलेस एंड अंटिल अगर हमें सिर्फ इमेज के अंदर इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड है वो सिर्फ इसकी लाइटिंग कंडीशन की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो, बिकॉज ये जनरली एक लाइटिंग की ओवरऑल इमेज का प्रॉस्पेक्ट देते हैं। सेकेंड इमेज अगर आप देखें तो इस इमेज के अंदर जितनी नॉइजेस थी, यानी अगर आप पहली वाली नॉइज देखें ये खत्म हो गई है, सेकेंड ये नॉइज देखें ये भी खत्म हो गई है, थर्ड ये भी खत्म हो गई है, फोर्थ ये वाली नॉइज भी इस इमेज के अंदर नहीं प्रेजेंट। हमारे पास ये स्क्वायर्स पड़े हुए हैं लेकिन छोटा वाला सर्कल ये इसमें एलिमिनेट हो गया। और अगर आप इसे नेक्स्ट इमेज देखते हैं, ये जिसका हमने कट ऑफ पॉइंट 60 पे है, तो हमारे पास जो छोटी नॉइज थी वो इसमें से एलिमिनेट हो गई है, और जो इससे नेक्स्ट लेवल की नॉइज थी वो भी इसमें अराउंड नजर नहीं आ रही, लेकिन ज्यादा नॉइजेस इसमें आपके पास नजर आ रही है। सो अगर आपने बहुत छोटी नॉइज को किसी इमेज में फिल्टर करना है तो आप अपने लो पास फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेंट को उतना स्ट्रिक्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट अगर आप ये वाला इमेज देखें तो इस इमेज का जो कट ऑफ पॉइंट है वो है 160 के ऊपर। इस इमेज के अंदर और ओरिजिनल इमेज में हमारे पास क्या क्या डिटेल चेंज ओवर हो रही। एक, ये जो लोएस्ट नॉइस थी ये आपके पास एलिमिनेट हो गई है। सेकंड, इस इमेज के अंदर रिंगिंग फैक्टर आ रहा है, ये छोटे सर्कल्स आपको नजर आ रहे हैं। सो दिस इज ऑल्सो एन इफेक्ट जब आप अपने लो पास फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेंट को लेके। और अगर आप इन दोनों इमेजेस को देखें तो अप फ्रंट हमें लगता है कि इनके अंदर मे बी कोई डिटेल चेंज ओवर नहीं है, बट रिमेम्बर दिस थिंग, देयर इज अ चेंज ओवर इन द डिटेल। आई विल हाईलाइट दिस डिटेल चेंज ओवर। ये आपको एक छोटा सर्कल यहाँ पर नजर आ रहा है, ब्लैक स्पॉट। और अगर आप ये वाला इमेज देखें तो इसमें ये ब्लैक स्पॉट प्रेजेंट नहीं है। और जो पहला इमेज है इसमें देयर इज अ ब्लैक स्पॉट व्हिच इज देयर, राइट। सो दिस इज बेसिकली द इफेक्ट ऑफ योर लो पास फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। आप जितने फ्रीक्वेंसी लो पास का सर्कल का साइज बढ़ा करते रहेंगे उतनी उतनी आपके पास डिटेल रीस्टोर होती रहेगी। अगर आपने बहुत छोटे पॉइंट्स को एलिमिनेट करना है, यानी लेट्स से अगर मैंने कैमरा से पिक्चर खींची और मैं चाहता ये हूं कि मैं अपनी पिक्चर को पिक्चर के अंदर मेरे पास अगर कोई छोटी नॉइज है, मैं नहीं चाहता कि मैं इसमें कोई डिटेल ख़त्म करूं या कोई चीज़ एलिमिनेट करूं, तो मैं अपने लो पास फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट का साइज ज़्यादा रखूंगा ताकि सारे कंपोनेंट पास हों बट वो वाले कंपोनेंट एलिमिनेट हो जाएं जिनकी वजह से इमेज के अंदर स्ट्रिक्ट किस्म की बड़े बड़े नॉइज नज़र आ रही है। So that was one of the examples of the low pass filter bit. Moreover, हमारे पास आगे फिर low pass filter की कुछ types होती है। अगर आप ये filter का response देखें तो आपको एक तो इसमें से DC component pass होता नजर आएगा और साथ ही ये वो वाला part है जो इसके साथ side lobes इसमें present है जिसमें इसका radius का size बढ़ा है। So low pass along with the certain
साइड लोब्स विल बी प्रेजेंट टू इट विच विल थ्रू विच आप इमेज के अंदर डीसी कंपोनेंट को पास करा रहे हो और मेजर लो पास कंपोनेंट को पास करा रहे हो। आई होप कि आपने सिग्नल सिस्टम में बटरवर्थ फिल्टर से गो थ्रू जरूर किया होगा। बटरवर्थ फिल्टर का और आइडियल लो पास फिल्टर का हमारे पास डिफरेंस, आपके पास बेसिकली अगर आप कर्व की फॉर्म, अगर आप इसकी रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में देखें तो इसकी आपके पास जो डायडॉन बेल कर्व होती है उसका डिफरेंस आ रहा होता है। जो हमारे पास आइडियल फिल्टर है, आइडियल फिल्टर में अगर आप ये इस कर्व को देखें तो ये बड़ी सख्त किस्म की नीचे जाने वाली कर्व है, और अगर आप इसको बटरवर्थ फिल्टर में देखें और यहीं पे ऐसे मैप करने की कोशिश करते हैं, सो दिस फिल्टर इज नॉट वेरी स्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ दिस कर्वेबिलिटी। ये वाला जो फिल्टर है ये आपके पास एक बटरवर्थ फिल्टर है। बटरवर्थ फिल्टर का रिस्पांस आइडियल लो पास फिल्टर के मुकाबले में ज्यादा स्मूथर होता है, और इन अदर वर्ड्स इसका रिस्पांस ऐसा जो फौरी डिके डाउन नहीं हो रहा बल्कि एक लॉन्ग टेल लेके आ रहा है। जैसे जैसे आप इसकी वैल्यू को इंक्रीज करते रहते हैं, सिंस दिस इज एट वैल्यू 4, अगर आप इसको 4 के साथ कंपेयर करें तो 4 वैल्यू जो है दैट वुड बी समवट क्लोजर टू योर आइडियल लो पास फिल्टर। बट रिमेंबर दिस थिंग, जैसे जैसे आप फिल्टर को स्टिक करते हैं आपका रिस्पॉन्स की मेमोरी ज्यादा ले रही होती है। अनदर डिफरेंस बिटवीन एन आइडियल फिल्टर एंड द बटर पास फिल्टर इज आइडियल फिल्टर आपको क्या करता है कि एक सर्टन स्पाइक देता है यानी डीसी कंपोनेंट और बाकी सारी चीजों को फौरन ही एलिमिनेट कर देता है, वेयर एज बटरवर्थ फिल्टर आपको एक स्मूथर रिस्पॉन्स देता है। अगर आप इसका ये टॉप पॉइंट ये देख रहे हैं, इसको अगर आप कंपेयर करें एक आइडियल लो पास फिल्टर में तो आइडियल लो पास फिल्टर क्या करता था, फौरन ही एक स्पाइक बना देता। एक मिनट, मैं एक आइडियल लो पास फिल्टर का आपको रिस्पांस दिखाता हूं। सो लेट मी सी इफ आई हैव द आइडियल रिस्पांस टू इट। ओके, सो ये आपके पास एक आइडियल लो पास फिल्टर का रिस्पांस है। अगर आप इसका रिस्पांस देखें तो ये इसके मुकाबले में बहुत ही ज्यादा सख्त किस्म का रिस्पांस है, मतलब वेरी स्मॉल रिस्पांस है एज कंपेयर टू द बटरवर्थ फिल्टर, राइट। सो बटरवर्थ फिल्टर हमारे पास एक स्मूथर किस्म का रिस्पॉन्स इमेज में दे रहा होता है। सो दैट्स वाई हम बटरवर्थ फिल्टर को हमेशा प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू योर आइडियल फिल्टर। मोर ओवर आइडियल फिल्टर के मुकाबले में बटरवर्थ फिल्टर का एक और एडवांटेज आपके पास मेमोरी का भी है। एक आइडियल फिल्टर हमेशा आपके पास ज्यादा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट यानी फिल्टर टैब ज्यादा एक्वायर करे, ज्यादा लेगा, और बटरवर्थ फिल्टर उसके मुकाबले में कम मेमोरी टैब्स ले रहा होता। Alright, so this is now a response of your Butterworth low pass filter. अगर आप ये देखें इस इमेज के अंदर तो हमारे पास यहाँ पे डिटेल ज्यादा अच्छे तरीके से हमें नजर आ रही है। आपको इस इमेज में लो पास फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेंट की डिटेल बड़ी क्लियरली विजिबल है। हमें यहाँ पे नजर आ रहा है ये ए पड़ा हुआ है, ये स्मॉल इसमें डॉट एलिमिनेट हो गए हैं और बाकी नॉइजेस में खत्म हो गए। सेकेंडली इसमें रिंगिंग अफेक्ट नहीं आता एज कंपेयर टू द आइडियल लो पास फिल्टर, जो मैंने आपको आइडियल का इफेक्ट बताया था जहां पे एक अराउंड यहाँ पे एक रिंगिंग इफेक्ट आ रहा था। अच्छा जी, ये जो पहला वाला रिस्पॉन्स आ रहा है दिस इज अ रिस्पॉन्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर बटरवर्थ फिल्टर विद फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेंट ऑफ द रेडियस जो हमने ऑलरेडी डिफाइन किए हुए थे 10, 30, 50 एंड सो ऑन। सो ये सेम रिस्पॉन्सेज हैं जो आपके पास आइडियल लो पास फिल्टर के कंपोनेंट्स के भी रिस्पॉन्सेज हैं, बट विद अ डिफरेंस कि इन रिस्पॉन्सेज को अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट की वजह से जो स्पेशल डोमेन में कंपोनेंट है ये ज्यादा अच्छे तरीके से विजिबल है। यहाँ पे ए नजर आ रहा है, यहाँ पे बी ए नजर आ रहा है, और साथ ही इमेज की डिटेल इसमें खराब नहीं हुई, इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिंगिंग इफेक्ट नहीं आया, ओरिजिनल इमेज ने अपनी शेप एज इट इज अटेन की।
REST, if you see this, this is a very strict response of the Butterworth low pass. तो हमें ये वाली जगह एक almost white spot नजर आता है because of the tighter response. इसके मुकाबले में जैसे जैसे हम इस फिल्टर का साइज इंक्रीज करते हैं तो हमें इसके ग्रेन्स नजर आना शुरू हो जाते हैं बिकॉज अब हम सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को पास करा रहे हैं और बहुत कम कंपोनेंट्स को हम इसमें से स्टॉप कर रहे हैं. अच्छा अगर हम सबसे लास्ट देखें जिसमें हमने हमारा रेडियाई का साइज 460 था तो उस साइज में और इसमें अगर आप कंपेयर करें तो ये जो एक ब्लैक स्पॉट यहाँ पे नजर आ रहा है और यहाँ पे है इस इमेज के अंदर ये ब्लैक स्पॉट नहीं है. Why this is happening? This is there because of the very strict response of the Butterworth filter to it. All right, so let's go ahead with this. So ये जो अब आपको मैं shape दिखा रहा हूँ ये basically इसकी special representation है Butterworth के low pass filter की. अच्छा ये जो सबसे पहला आपको नजर आ रहा है ना ये जो पहला वाला spot नजर आ रहा है यहाँ पे क्या है यहाँ पे Butterworth filter का जो order है ये first order है. This is the second order filter. This is the fifth order filter. This is the 20th order filter. So, जैसे जैसे आप फिल्टर का ऑर्डर चेंज करते हैं यानी आप फिल्टर के कॉफिशियंट्स इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे इसका रिस्पॉन्स ज्यादा बेहतर हो रहा है. लेकिन इसका नुकसान ये है कि आपकी मेमोरी अटेन ज्यादा करता है साथ ही इसकी इम्प्लीमेंटेशन उतनी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है. तीनों केसेस के अंदर जो फिल्टर है इनकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी सेम है यानी जो आपकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना ये 5 के ऊपर है. यहाँ पे एक जो रिंग है ना सेंटर से ये 5 के ऊपर एक रिंग पड़ा हुआ है जिसको हम कट ऑफ करना चाह रहे हैं 5 पे. यहाँ पे भी 5 पे यहाँ पे ज्यादा विजिबल है ये रिंग यहाँ पे इससे ज्यादा विजिबल है और यहाँ पे बहुत ज्यादा विजिबल है ये 5 वाला रिंग. दिस इज द बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट बट प्रॉब्लम इज दिस यहाँ पे फिल्टर की इम्प्लीमेंटेशन ट्रिवियल है. ये बेस्ट रिजल्ट है but the implementation is most difficult as compared to the initial image. yahan pe agar aap isko dekhen to yahan pe implementation utni zyada easy hai because yahan pe components kam hamare paas visible hai. all right so over here we have got a Gaussian low pass filter. this is again another type of filter but this type of filter will have the ability of eliminating a single component with a more rapid pace. iski agar aap notch dekhen iski agar aap peak dekhen to ye zyada sharp hai as compared to your Gaussian filter. Gaussian filter mein ek smoother peak aa rahi hoti hai hamare paas. let me show you the Gaussian filter spike to it. सो हमने ऑलरेडी ये गॉयन वाली स्पाइक देखी ये एक ये जो इसका पीक है ये एक स्मूदर साइड पे होती है और जो आपके पास गॉयन फिल्टर है इसकी पीक दिस इज नॉट अ स्मूदर बट दिस इज अ शार्पर फिल्टर. अगर आपने कोई एक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को एलिमिनेट करना है तो उसके लिए हमारे पास बेस्ट जो चॉइस होती है उस केस में हमारे पास आपका गॉसियन फिल्टर होता है जो आपके एक सर्टन फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को एलिमिनेट कर रहा होता है. सेकेंडली साथ ही ये अपने अपने पास आपके पास लोअर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जो उसकी विसिनिटी में पड़े होते हैं उनको ज्यादा साथ लेके आ रहा होता है यानी एक जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी उसको एलिमिनेट किया और उसके बाद के कॉम्पोनेंट को साथ साथ इसने एलिमिनेट करना स्टार्ट कर दिया. सो दिस इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द 3 फिल्टर्स व्हिच वी हैव. The first one is the ideal filter, which you can see. ये जो D naught है ये basically इसका cutoff point को represent करता है. जैसे ही इस D naught से कम
वैल्यू ज्यादा हो तो उसको वन कर दो, और अगर इससे ज्यादा हो तो उसकी वैल्यू को आप जीरो के ऊपर मैप कर देते हैं। बटरवर्थ के केस के अंदर आप ये इक्वेशन फॉलो कर रहे होते हैं और गॉसियन के अंदर आपके पास बेसिकली इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन चेंज ओवर हो जाती है। सो इट्स ओनली द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन व्हिच इज चेंज इन द थ्री फिल्टर्स टू इट। चलिए, ये वाला जो हमारा फिल्टर है, ये अब हम ये जो इमेज है इसके अंदर आपके पास गॉसियन लो पास फिल्टर के कॉम्पोनेंट्स दिखाए गए हैं, जिसमें आपके पास डिफरेंट रेडियाई के ऊपर इसकी इम्प्लीमेंटेशन है। अगर आप ये वाला फिल्टर देखें तो उसमें लो पास फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेंट सबसे अच्छे पास हो, यानी ब्लैक स्पॉट इसमें सबसे अच्छे नजर आ रहे हैं। इसमें आपको ब्लैक स्पॉट बहुत अच्छे तरीके से नजर आ रहे हैं। अगर मेरी मोटिवेशन ये होती कि मैं इस इमेज में से अपने करेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करूं और मैं कोई हैंड रिकग्निशन का एल्गोरिदम अप्लाई करूं, तो बेस्ट मेरे पास होता मैं इसमें गॉसियन लो पास फिल्टर अप्लाई कर रहा होता। गॉसियन लो पास से मेरे पास बाकी सारे कॉम्पोनेंट सप्रेस हो गए हैं, जहां पे नॉइज थी वो भी सप्रेस हो गई है, और जो मेजर कॉम्पोनेंट है वो मेरे पास ज्यादा अच्छे तरीके से विजिबल हो गए। अगर मेरी इंटेंशन होती कि मैं इमेज के अंदर से सिंपल नॉइज एलिमिनेट करना चाह रहा हूँ, यानी मैं चाहता हूँ कि मेरी एक पिक्चर डिस्प्ले हो रही है और ये लाइव फीड जा रही है, तो उस लाइव फीड के अंदर से जहां छोटे स्पॉट है वो मैं एलिमिनेट करूँ, देन उस केस के अंदर सबसे अच्छा फिल्टर मेरे पास बटरवर्थ फिल्टर होता। राइट, सो ये हमने एक इसकी एप्लीकेशन दिखाई हुई है जिसके अंदर आपके पास एक हैंड राइटिंग रिकग्निशन, ये इसको OCR भी कहते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन सिस्टम दिया हुआ है, जिसके अंदर आपके पास जब हमने इमेज को स्कैन किया तो हमारे कैरेक्टर्स ब्रेक डाउन होते थे। सो वी वॉन्टेड के अनलेस एंड अंटिल ये सारे कैरेक्टर ज्वाइन ना हो तो हम इन्हें मैच नहीं कर सकते। सो इस केस में हमारा जो बेस्ट फिल्टर जिसमें हमने अप्लाई किया, वी अप्लाइड अ गॉसियन द गॉसियन लो पास फिल्टर इन दिस केस। और जब ये इमेज लो पास फिल्टर से गुजरा तो जो जो इसकी ब्रेक डाउन कॉम्पोनेंट थे वो इसके साथ ज्वाइन हो गए, और इन ज्वाइनिंग की वजह से नाउ वी आर एबल टू रिकग्नाइज द हैंड राइटिंग मोर इन दिस image to it. So I will stop over my class over here. So I will continue with the high pass filter in my next lecture. So before I finish off, I leave these two images for you to see. जिसके अंदर हमने एक eyesight की beautification के लिए एक हमारे image था जिसमें चलता था कि eye को beautify कर लें, image को glorify कर लें। So this is face beautification filter in general language. So इस face beautification filter के अंदर हमने Gaussian low pass filter apply किया। अगर आप ये पहला image देखें तो इसमें lines बड़ी clearly visible हैं। अगर आप ये वाला image देखें तो इसमें ये जो face के अंदर lines थी ये eliminate हो गई हैं। So this was all happened because of the Gaussian low pass filter. और अगर आप ये last image देखें तो इस image, ये एक telescope का image था जिसमें NASA ने एक image दिया हुआ है, और हम इस image के अंदर चाहते ये हैं कि हम इसकी स्कैन लाइंस को एलिमिनेट कर लें। ये जो इसकी स्कैन लाइंस आ रही हैं, मैं इन स्कैन लाइंस को इसमें से ख़त्म करना चाह रहा हूँ। सो इस केस में भी मेरे पास बेस्ट जो फिल्टर अप्लाई हुआ है वो एक गॉसियन लो पास फिल्टर अप्लाई हुआ है। सो इन टुडेज लेक्चर वी कवर्ड योर आइडियल लो पास फिल्टर।